स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड मेथड समझते हैं, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो नेक्स्ट मेथड है, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। हमने इससे पहले किया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को अप्लाई करके हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व की। देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या होता है मेथड। ये क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, यूजिंग मैट्रिक्स मिनिमा मेथड फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। देखिए, इसमें क्या होता है, टेबल दी हुई है आपको, जैसा कि हम समझा चुके हैं, बिल्कुल सेम टेबल है। अब इसको सॉल्व करना समझते हैं। देखिए, इसका नाम है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। तो क्या करते हैं इसमें हम, जो हम पहले भी बता चुके हैं कि ये जो एंट्रीज हैं ये सब कॉस्ट दी हुई है। तो सबसे मिनिमम कॉस्ट फर्स्टली हम क्या देखते हैं, मिनिमम कॉस्ट, तो ये वन और ये वन मिनिमम कॉस्ट है इस टेबल के लिए। ठीक है, देखिए हमने यहाँ थ्योरी में भी लिखा है कि फर्स्टली फाइंड दैट हम क्या करेंगे, देयर इज लोएस्ट कॉस्ट वन। ये वन किस किस सेल में है, इन सेल 2.3 एंड 4.1। देखिए 2.3 जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2.3 का मतलब है कि वो कॉस्ट जो कि सेकेंड रो में है थर्ड कॉलम में। तो आप देख सकते हैं सेकेंड रो, ये सेकेंड रो और ये थर्ड कॉलम, तो ये कॉस्ट है एक सेकेंड रो थर्ड कॉलम, और देखिए एक कॉस्ट ये है वन, जिसको हम मिनिमम कॉस्ट कह रहे हैं। तो ये थर्ड रो, सॉरी फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। तो इस कॉस्ट पर हमें क्या करना है कि एलोकेट करना है कितना नंबर, वो हम समझते हैं कि कितना। देखिए, अब 2.3 या 4.1 किसी भी सेल को हम पहले ले सकते हैं। तो हमने सबसे पहले ले लिया, मान लो सेल लिया हमने 2.3, 2.3 में हम देखते हैं कितना हम नंबर फिल कर सकते हैं। 2.3 सेल है ये, जिसकी कॉस्ट है 1, तो इसमें हम कितने नंबर फिल कर सकते हैं, और एक सेल है ये, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी को भी हम पहले फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको ले लेते हैं, यहाँ 1, 1 के आगे हमें क्या फिल करना है ये देखते हैं। तो देखिए 1 के सामने ये 14 है और 1 के सामने 7 है, तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो हम ये फिल करेंगे। तो 7 मिनिमम है, हमने 7 लिख दिया, ठीक है। इसका ये कॉलम कंप्लीट हो गया। अब इस कॉलम में कोई भी हमें फिल नहीं करना पड़ेगा, कोई भी नंबर, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हमारा जो मिनिमम कॉस्ट है ये 1, यहाँ हमें क्या फिल कर सकते हैं। देखिए 8, इस 8 के 1 के सामने 8 लिखा हुआ है जो कि अवेलेबल है, और रिक्वायरमेंट में 18 लिखा हुआ है। तो 18 और 8 में से जो मिनिमम होगा वो हम ये लिखेंगे, तो 8 लिख दिया, ठीक है। अब हम सेकंड लोएस्ट कॉस्ट देखते हैं। सेकंड लोएस्ट कॉस्ट है देखिए ये 2 और ये 2 और ये 2, ठीक है। तो इस 2 पर तो हम कुछ लिख ही नहीं सकते क्योंकि ये वाला कॉलम कंप्लीट है। अब देखिए ये 2 रह गया और ये 2 रह गया, तो हम चलिए ये 2 फिल करते हैं, कितना हम यहाँ लिख सकते हैं। देखिए इस 2 के आगे हमें 7, तो इस कॉलम इस रो में हम देखते हैं 14 टोटल है, ठीक है, जिसमें कि 7 हम फिल कर चुके हैं। तो 14 में से 7 माइनस हुआ, 7 रह गया। तो अब 7 और इसके सामने ये भी लिखा हुआ है 18, तो 7 और 18 में जो मिनिमम होगा वो लिखा है, 7 लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब ये रो भी कंप्लीट हो गई, 7 और 7 14, लेकिन कॉलम अगर देखें तो 8
और 7 15 हुआ है। ठीक है, अब हम अगली कॉस्ट देखते हैं। अगली कॉस्ट है 3 3 3। ठीक है, 2 के बाद 3 पे फेल होगा, तो ये वाला 3 इस कॉलम में है, कॉलम फेल हुआ है, कंप्लीट है। ये 3, ये वाली रो देखते हैं, इसमें 8 फेल हो गया, तो इसमें भी हम फेल नहीं कर सकते। अब इस 3 को देखते हैं, यहाँ हम सॉरी ये 3, ये 3, इन 3 में कोई भी हम फेल नहीं कर सकते। ठीक है, अब 4 देखते हैं, 4 कहाँ है, ये 4 यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, तो 4 में हम देखते हैं यहाँ कितना लिख सकते हैं। देखिए 8 और 7 पहले फिल कर चुके हैं, 15, और यहाँ है 18, तो 18 में से दोनों का प्लस करके माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो 3 रह गया, 3 यहाँ हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला नंबर 4, ये इस 4 पर हम क्या लिख सकते हैं। देखिए इस 4 पर यहाँ कुछ भी नहीं है, तो 7 इसके सामने है, 7 और यहाँ है 9, तो 7 और 9 में से जो भी मिनिमम होगा 7 लिख दिया। अगला नंबर है 5, 5 को हम नहीं फिल कर सकते, 5 यहाँ भी, ये 5 है, 5 पे हम कुछ भी फिल नहीं कर सकते क्योंकि 5 का कॉलम कंप्लीट है। आगे देखते हैं 6, 6 इस रो में है, ये भी कंप्लीट है। अब देखते हैं 7, देखिए 7 यहाँ भी फिल नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉलम फेल है। यहाँ हम 7, ये 7 के सामने हम क्या लिख सकते हैं, 2। देखिए 2 क्यों, क्योंकि 7 यहाँ फिल कर सकते हैं, 9 में से 7 गया, ये 2। ठीक है, और 2 और 3 5। अब देख सकते हैं आप कॉलम और रो का टोटल कंप्लीट होगा। देखिए 2 प्लस 3 5 और 8 ये और 7 ये कंप्लीट, 7 7 14। कॉलम से चेक करते हैं, देखिए 7 इस कॉलम में 7 ये है, 2 और 7 9, ये 9 हो गया, 3 8 11 7 18 कॉलम। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें ये देखते हैं अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट का जो टोटल है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए यहाँ हमने थ्योरी में पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन किया है, इसको पढ़ के आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टोटल अगर कॉस्ट निकाल लिए हमें, ठीक है टोटल कॉस्ट, हम कॉस्ट निकालना हमने बता चुके हैं क्या करना है। यहाँ पर 2 × 7 + 3 × 4 + 18 × 1 + 7 × 4 + 7 × 1 + 72, टोटल कॉस्ट हम निकाल सकते हैं। ये टोटल कॉस्ट 2 × 7 + 3 × 4 + 18 × 1 + 7 × 4 + 7 × 2 + 7 × 1। ठीक है, जो भी इसका कंप्लीट आंसर आए वो आप सेल्फ निकाल सकते। ओके, थैंक यू।